इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ, फ्रिज बंद कर दो, ओवन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, बिल कितने देने। अरे भाई, दिमाग की बत्ती जलाना बहुत जरूरी है। क्यों जी? अगर वोट देते वक्त हम दिमाग की बत्ती जला के वोट दें तो हम अच्छे लोगों को मुंतखब कर सकेंगे। सही गल है, वोट दे टाइम अगर दिमाग की बत्ती जल रही हो तो जो महंगाई नाल दिमाग की लोड शेडिंग है ना होंगी। और वैसे भी लीडर को मुंतखब करते वक्त अगर दिमाग की बत्ती जला दी जाए तो हम अच्छे लीडर मुंतखब कर सकते हैं। वाह, क्या बात है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे कि हमारे मेहमानों की क्या रेशो है दिमाग की बत्ती जलाने में। छोटे छोटे सवाल हैं सर, आपने उसके छोटे छोटे जवाब देने। अल्लाह, पहला सवाल, बिजली चली गई ताड़ी वजह तो जड़ी साड़ी गई, ओदा कौन जिम्मेदार है? अरे आपकी वजह से 35% भारतीयों की बिजली चली गई है। फैसलाबाद माई दी झुग्गी दा सलमान खान। चीमा साहब, आर यू रेडी? दिमाग की बत्ती जलाएं। पहला सवाल चीमा साहब, अगर आप एक किताब लिखी जाए तो उसका अनुवान क्या होगा? जट द वेयर, जट एंड जूलियट, जट जेम्स बॉन्ड, या मौला जट? जारी बात है, जो भी हमारा शौके पाकिस्तान जो है, इसका पंजाब में हम रहते हैं, ज्यादा दही इलाके हैं, वहां पर मौला जाट ही ठीक रहेगा। हीर रांझा की दास्तान में आपका फेवरेट करेक्टर कौन है? हीर, रांझा, कैदो या सैदा खेड़ा? अगर तो हम देखें जो इसकी फीचर, इसकी कहानी को, तो खेड़े का जो किरदार है वो बेहतर है, लेकिन जारी बात है हमारा कल्चर जो है वो डेवलप हो चुका है और रांझे को हम कहते हैं कि वही लिखा है। हीर साथ बैठी हो तो फिर रांझा तो होना ना चाहिए। नहीं, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। सैदा खेड़ा ही ठीक जी भाजी। क्यों जी? रांझे नालों बेहतर हो ही रहा सी। अरे काशिफ साहब, अगर मैं उस फिल्म में हीरो होता और मथीरा उसमें हीरोइन होती तो फिल्म की रेटिंग कितना ऊपर होती ये आपको पता होगा। वाकई जी, रांझे जी ते सलमान खान च एक चीज कॉमन है, क्या? दोनों नु हीर नहीं सी मिली। अच्छा जी, मैं एक टाइटल बताऊंगा, आपने बताना है कि किसको सूट करता है। टाइटल है जी लड़ा पंजाब का। ऑप्शन नंबर 1 शहबाज शरीफ, वाह। ऑप्शन नंबर 2 परवेज इलाही, ऑप्शन नंबर 3 उस्मान बुज़दार एंड ऑप्शन नंबर 4 सुल्तान भाई। मैं सियासी बंदा हूँ, सियासत से बात करूंगा। तो जिस लेवल पे चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब की खिदमत की थी और वो हमारे बड़े भी हैं, उन्हीं को कहना चाहिए। अभी सुमान साहब तो भी आस्ता आस्ता ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जब उनकी बारी आएगी उनको भी एजाज देंगे। उस्मान बुज़दार साहब देखिए क्या कह रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही आपके कैबिनेट में होते हुए कह रहे हैं कि आप लाड़ा पंजाब दा नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही वो बड़े हैं, लाड़ा पंजाब में है। तालियां भी नहीं, परवेज इलाही साहब नु तुसी सही कहा, लाड़ा पंजाब दा। परवेज इलाही साहब मुबारक होवे सर, तुहाडा एक मेंबर होर वध चला जे काम विच। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस नारे ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? ऑप्शन नंबर 1 रोटी कपड़ा और मकान, ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 वोट को इज्जत दो, या ऑप्शन नंबर 4 तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगर हम रोटी कपड़े मकान से बाहर आ जाएं और अखलाकियात और इंसानियत पे काम करें तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। यानी सब तो नुकसान पहुंचाया रोटी कपड़े, रोटी कपड़े मकान ने। सही गल है, उन्होंने पार्टी ने भी बड़ा नुकसान होया है। सारी बात है, उसी वजह से आज हम पीछे चले गए। अच्छा जी, अगला सवाल, इनमें से कौन सी खातून है जिसकी सियासी बसीरत आपको बेहतर लगती है? ऑप्शन नंबर 1 फिरदौस आशिक अवान, ऑप्शन नंबर 2 शर्मिला फारूकी, ऑप्शन नंबर 3 अजमा बुखारी एंड ऑप्शन नंबर 4 वीना मलिक। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि आपा फिरदौस के होते हुए किसी का नाम लेना बेहतर नहीं है, वो ही बेहतर। जाहिर है, जिड्डा कसोने डरना ही चाहिए। बहुत ही अच्छे जवाब दिए, इनके लिए बहुत ही तालियां होनी चाहिए। नाउ इट्स टाइम।